हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने रूबिक क्यूब पर प्लस बनाना सीखा था और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रूबिक क्यूब पर प्लस बनाने के बाद उसकी फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, रूबिक क्यूब की फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमने ऊपर जिस कलर का प्लस बनाया होता है उस कलर के कॉर्नर्स वाले पीस को देखना होता है। उनको जैसे यहाँ पर कोई पीस सेट करना है तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये तीन सेंटर पीस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन सेंटर पीस है, एक रेड है और जैसे एक वाइट है और यहाँ पर ग्रीन है। हमको वो वाला कॉर्नर पीस देखना पड़ेगा जिसमें ये तीन सेंटर ये तीन कलर हों, जैसे कि रेड और वाइट और ग्रीन। तो देखते हो तो ये वाला पीस है जिसमें तीनों कलर है, रेड भी है, वाइट है और ग्रीन भी है। तो उसको इसको यहाँ पर सेट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, देखना होता है ये रेड कलर के साइड जिस जो हम यहाँ पर प्लस बना रहे होते हैं जिस कलर का, वो कलर देखना होता है वो कलर किस साइड है। अगर वो कलर इस साइड इसी साइड है तो उसको एक बार इस साइड घुमाएंगे और इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ लाएंगे और इसको ऊपर यहाँ पर करके उसको ऊपर सेट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला कॉर्नर पीस जो है वो अपनी जगह पर सेट हो चुका है। अब हम लोग इस वाले कॉर्नर पीस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा कॉर्नर पीस आएगा, मतलब जिसमें रेड येलो और ग्रीन कलर होना चाहिए वो वाला पीस यहाँ पर आएगा। पीस देखते हैं कहाँ पर है, तो वो वाला पीस देखो यहाँ पर है, इस कॉर्नर पर है उसको, जबकि यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले इसको एक बार नीचे डाउन करेंगे तो इस साइड, तो उसको अपनी तरफ से ये देखें। दोस्तों, एक कॉर्नर वाले पीस सॉल्व करते टाइम को ये देखना होता है कि ये प्लस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये प्लस बना रहना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये वाला पीस यहाँ पर आ चुका है और इसको हमें यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के लिए इसको इस वाले कॉर्नर के नीचे लाएंगे। अब ये पिछली बार की तरह सेम रिपीट कर देंगे। इस साइड है तो इसको यहाँ पर इस साइड पर जाएंगे, इसको डाउनवर्ड्स मूव करेंगे और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। देखिए तो ये वाला ये अपनी जगह पर सेट हो चुका है। अब इसकी बारी, अब इसको यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सा पीस आना जिसमें येलो भी होना चाहिए और रेड और ब्लू, तो वो यहाँ पर यहीं पर है इसके नीचे। तो इस साइड है तो इसको इस साइड घुमाएंगे और इसको डाउनवर्ड्स इसको सेट करेंगे। और देखो ये वाला भी पीस अपनी जगह पर आ चुका है। अब आखिरी पीस ये बचा तो इसमें वही पुराना वाला मेथड, इसको डाउनवर्ड्स इसको एक साइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी रूबिक क्यूब की फर्स्ट लेयर जो है सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको रूबिक क्यूब की फर्स्ट लेयर सॉल्व करना आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया, नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा।